अबे पलट शो वॉशो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके तो गाइस बहुत दिन हो गए थे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था, पता है हर बार का हो गया मेरा, पर इस बार बहुत टाइम हो गया, 18 दिन हो गए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। सीन क्या था, मैं 10 दिनों के लिए गाँव को चला गया था मेरे, एंड गाँव में थोड़ा काम था, हमारे वावर वीयर में थोड़ी टमाटे वमाटे निकालने का सीन चालू था, तो वहाँ पे मैं अटक गया था इसलिए। एंड उसके बाद मेरे को अचानक से कॉल आ गया धुले से, मेरे कॉलेज से, कि भाई तेरे सबमिशन बाकी है तू सबमिशन करने आ। तो अभी 4 से 5 दिनों पहले मैं धुले में आ गया, एंड वो मेरा प्रैक्टिकल और कुछ तो सीन था वो मैंने कंप्लीट करके दे दिया, एंड अभी थोड़े से पेपर लिख के देना था उनको, वो भी पेपर मैंने करके दे दिए। तो अभी मैं आज फ्री था, मतलब मेरे को कल जाना है नंदुरबार, कल मेरे को नंदुरबार जाना है, बट आज थोड़ा सा टाइम तो मेरे को लगा तो हेयर कलर का वीडियो भी शूट हो जाएगा इसलिए। तो भाई आज के व्लॉग में हम जाने वाले हेयर कलर करने के लिए, मैंने कल ही मेरा हेयरकट कर लिया, कॉज मेरे को पता है ऐसे वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है, एंड वो उदय भाई के यहाँ पे बहुत क्राउड हो रहता है तो इसकी वजह से पूरा व्लॉग अच्छे से सीन शूट नहीं हो पाता इसलिए। तो भाई तो आज के व्लॉग में हम हेयर कलर करेंगे चॉकलेट ब्राउन या फिर कोई अलग वाला, पर जो सूट होगा मेरे स्किन टोन पे वही करेंगे, कॉज बहुत दिनों से मेरा चालू था हेयर कलर करने का, बट आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया आज मैं करूँगा। एंड भाई आज बहुत धूप है यहाँ पे, धूप कम है बट यहाँ पे बहुत, मतलब ऐसे नहीं क्या पाउस, मतलब बारिश आने के बाद तो ऐसे गर्मी गर्मी फील होती, तो ये यहाँ पे बहुत होती है, एंड धूल की गर्मी पूरा यड़ा कर देती पूरा, मतलब पूरा ऐसे ही देखो ये ब्लैक स्वेटशर्ट पहन लिया मेरा नहीं, मतलब ये ऐसे रेगुलर कपड़े रहते नहीं कि मैं फिक्स नहीं रहता ब्लॉग करने का ये वो, पर अचानक से ऐसे आ जाता है अंदर में नहीं कि आज ब्लॉग ही शूट करने का है, तो ऐसे सीन हो जाता है। एंड ऐसे टाइम पर ये ऊन बहुत धोखा दे देता है, तो देखो कितना पसीना आ गया, तो कोई नहीं इतना कुछ सहन करना पड़ता है, जाओ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। एंड अभी हम जाएंगे अपने उदय भाई के सैलून के पास, कॉज वो बहुत स्टंट दे रहा है हमें कब से, वो बोल रहा था मैं अभी खाना खाने जाऊँगा तब जाऊँगा, अभी तक सैलून में ही पड़े वो, तो अभी उनको घर भेजेंगे एंड आधे घंटे बाद फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो वही सो चलते एंड देखते अभी हम आ चुके उदय भाई के सैलून के पास, एंड में गया था 5 कंदिल में, मेरे को एक स्वेटशर्ट लेना था बहुत दिनों से, तो वो लेने के लिए गया था, तो अभी हम डायरेक्टली उसके सैलून में जाएंगे एंड हेयर कलर स्टार्ट करेंगे, कॉज वापस सीन के वहाँ पे बहुत लोग बैठे तो ऐसे मतलब गर्दी हो जाएगी ना क्या सीन वो शॉर्ट बिट लेने के लिए, तो हम डायरेक्ट हेयर कलर स्टार्ट करेंगे। एंड अभी तक मतलब हेयर कलर में मैं कन्फ्यूज हूँ, ब्राउन को रहा चॉकलेट ब्राउन, वो बोल रहा है कि थोड़ा डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, क्या बता क्या उदय भाई, अब वो जो करेंगे वही, नहीं पसंद आया तो फिर से ब्लैक कर देंगे, देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। सो वही सो चलते एंड देखते
touch, the moment you took my hand, led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight bled. I pulled you in close, so whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Minutes later. You right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight led. I pulled you in close, so whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around. सो गाइस अभी हमारा हेयर कलर कंप्लीट हो चुका है एंड इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। तो वही, तो बहुत दिनों से मेरा चालू था हेयर कलर करने का। ये हेयर कलर मतलब अभी थोड़े दिनों बाद और थोड़ा सा मतलब लाइट मतलब जैसा उतरता है ना वैसे और मतलब पूरा ना तो और अच्छा दिखेगा। एंड मैं हेयर वॉश और इसका मतलब सब कुछ दिखाने वाला था, पर सीन क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है जयेश भाई के अपने उदय भाई के शॉप पे, तो इसकी वजह से मैंने शूट करवाया। तो भाई, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया है। ये शॉट क्या, सीन क्या, ये कलर तो आपको मतलब अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है ना, ये स्ट्रीट लैम्प को थोड़ा सा और थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसकी वजह से। तो कोई नहीं, अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा क्या सीन होगा क्या नहीं। तो कर तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको भी हेयर कलर करना होगा तो यहाँ पे उदय भाई के पास आ सकते हो। देखो उदय भाई, वो कुत्ते बोलने के लिए नहीं आते, कैमरे के सामने शर्माते हैं, पर जब भी मैं ब्लॉग करता तो वहाँ से नीचे स्टंट दे रहे। देखो ये ना, ये डर ना। तो भाई, तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते। भाई जाओ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। सो भाई।